वेलकम बैक। और हमारे साथ है जी हमारे कुछ गेस्ट। आज वेलकम है आपका, सबका स्वागत। और हमारे साथ बैठे हैं परविंदर जी, तो इनसे पूछते हैं कितना टाइम हो गया इनको आए हुए यहाँ पर, क्या नाम है इनका और क्या काम करते हैं, बताएं कुछ अपने बारे में। हाँ जी भाई जी, मैनू 10 साल हो गए कनाडा आए नूं, ते मैं ट्रक चलाउना 10 साल तो काम कर रहा। तो ट्रक का काम अजकल है जी ज़्यादा या कुछ स्लो पे होया है? अजकल थोड़ा जहा डाउनफॉल है, पर ओवरऑल थोड़ा जहा ठीक है। पहला काफ़ी सीगा, अजकल थोड़ा जहा स्लो है जी, थोड़ा जहा रिसेशन का करके काम धंधे जो सारे ही कनेडा के स्लो है, तो थोड़ा ट्रैकिंग से भी थोड़ा जहा है फर्क पे है। हाँ जी थोड़ा जहा फर्क है ट्रैकिंग से भी। अच्छा काम है वैसे ट्रैकिंग का इतने? हाँ जी ओवरऑल वधिया जॉब है। वैसे दसना चाहो तो दस सकते हो किन्ने पैसे कमा लेंगे ने इतने जो ट्रक वाले है ईमानदारी? हाँ जी 5-6 हज़ार डॉलर वधिया कमा लेना बंदा। आप किन्ने कमा लेंदे हो सही दसना छुटना बोलना यार। ओने मैं लोका जने मैं कमाउना जी, मैं नहीं सानू सुनिया कि 9-10 हज़ार रुपये कमा लेंदे ट्रक ड्राइवर। 9-10 हज़ार ओनर ऑपरेटर जां जिन्हां दे अपने ट्रक आ ओह कमा लेंदे आ। अच्छा ते जे ड्राइविंग दे विच इन्नी की आ। हां जी किन्ना कु सुख है इत्थे ड्राइविंग करना? ठीक है जी, कंपेयरिव टू इंडिया तां काफी सौखा क्योंकि इत्थे रूल रेगुलेशन काफी वधिया है, ते जे आपां इंडिया नाल कंपेयर करिए तां फिर ड्राइविंग जिहड़ी सौखी है, इजी है थोड़ी। हां जी जे बच्चे जे नहीं आ रहे ने और कोशिश करते हैं ज़्यादा ट्रैकिंग लाइन आ रहे हैं कुछ फायदा है उन्होंने? हाँ जी पर उही इनकम के हिसाब नाल मनी वध कमाउण दे लालच दे विच ही थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने सजेशन यही है भी सारा कुछ सीखने तो बाद आउण लाइन दे विच। हाँ जी की सब तो अच्छा लगता कनाडा कंट्री अज तक आप? कनाडा दे विच वैदर वधिया, रूल रेगुलेशन है ते सिस्टम वधिया जी। तो माड़ी की चीज की है कनाडा के अंदर जो लगी हो? माड़ी अपनी सोच है, जे आप माड़ा देखिए तो माड़ा दिसूगा, पर मैं थोड़ा जहा कुछ ज्यादा चंगा ही देखता, मैं चंगा ही लगता। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी गल की आपका जो जवाब से वो शायद मनु नहीं जो मेरे देखने वाले दर्शक ने उन्होंने भी लाजवाब जरूर करेगा। होर कुछ दसना चाहो सी ट्रैकिंग लाइन के बच्चे आ रहे हैं थोड़ा जहा उन्होंने 11 साल का एक्सपीरियंस है आपू? बस यही भी सीख के आओ ट्रैकिंग काली ना करो काल ना करो, क्योंकि कुछ बंदे काल करदे आ। टाइम लाओ थोड़ा जिहा, टाइम लाओ। हाँ जी सही तरीके नाल सीखो, प्रिपेयर हो गया जी। चलो थैंक यू सो मच जी साडे नाल गल करन वास्ते, बहुत मेहरबानी जी। कनेडा दे रूल बहुत वधिया लगदे ने ते वैदर बहुत वधिया जी, ते इत्थों दे जिहड़े साडे मित्र प्रेमी ने इह वी बहुत वधिया ने जी। जिहड़े मेरे मित्र प्रेमी दा मतलब चहल साहब, कैप्टन कमल जी साहब, हाँ जी हाँ बैठे ने वीर खन्ने तो बैठे ने ते बिनी पैग तो आए हुए ने। माड़ा कुछ रूल माड़े ने जिहड़े बच्चों वास्ते ने, जिवें छोटे बच्चे नूं आपां कुछ कह नहीं सकते, वो थोड़े जे गलत मेरे हिसाब नाल सही नहीं है रूल। मतलब पुटना चाहते हो बच्चों को? नहीं सिखाना चाहते हैं बच्चों भी, छोटे होंदे नूं सिखावांगे कुछ तां ही वो ट्रेंड होणगे। हाँ जी होर कोई दिक्कत प्रॉब्लम? नहीं हो ठीक ठाक है जी। होर लेडी ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਇਨਸੇ ਬਾਰੇ, ਇਨਸੇ ਵੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕਾ ਕਿਆ ਇਨਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ?
नहीं वधिया मुल्क है जी, वधिया रूल रेगुलेशन ने जी, हर कोई बंदा अपने आप च मस्त है, बिजी बिजी कह लो मस्त कह लो, नहीं सही गल है आप दे भी, हां जी मस्त है, एक अच्छा वर्ड है, अपनी लाइफ दे विच मस्त है हरेक बंदा, अपनी लाइफ जी रहा। कनाडा दी सब तो बुरी चीज की लगती है? नहीं बुरी चीज तो कोई भी नहीं लग रही है, बुरी चीज तो थोड़ी माड़ी मोटी तो होंगी है जी, उन्होंने इग्नोर ही मार देना चाहिए, तो जिस मुल्क आप आए हैं उस मुल्क का चंगा ही देखना चाहिए, बुरी चीज नहीं देखनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी गल। और जो नए बच्चे आ रहे हैं अच्छे उन्होंने कुछ दसना चाहो, क्योंकि काफला भी एक्सपीरियंस है अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं साडा तां कहने दा मतलब यह है भी जेडे भी बच्चे आन उन्हों रूल दे नाल ही बनान, जे पढ़ाई लिए आए ने तो वह पढ़ाई ते ही अपना पहला फोकस करन, ते क्योंकि उन्हां जिहड़ा स्टेटस है पढ़ाई दे नाल ही बनना है, जेहड़े बच्चे उरे आते हैं पढ़ाई लैके आते हैं पढ़ाई छड्ड के उधर हो जाते हैं उही बच्चे उलझदे ने, लेकिन वह इस चीज़ तो थोड़ा जिहा मेहनत है साल दो साल की मेहनत करके तो अपना वो एक स्टेटस बना अपने स्टेटस के नाल ही अगे बदन। थैंक यू सो मच जी, साडे नाल गल कीती आपने, शुक्रिया भाई, सत श्री अकाल जी।